कॉटन की ना, और आज पुलिस स्टेशन में जाके है ना। जय श्री राम। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमेश और आप देख रहे हो मुंबई का लड़का लोग। तो गाइस ना, आज अपन जाने वाले कॉटन ग्रीन, और आज अपन कॉटन ग्रीन को एक्सप्लोर करने वाले। तो मुझे ना एक्चुअली कुछ भी ना आइडिया नहीं कि आप आज अपन कॉटन ग्रीन में ये एक्सप्लोर करने वाले। तो इसी वजह से अभी लेते हैं राम जी का नाम और बढ़ते अपने कॉटन ग्रीन की तरफ। और अपने को यहाँ पर जो कुछ भी दिखता है मंदिर या तो कौन सा गार्डन आपको दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। फाइनली टिकट तो निकल लिया है, अभी देखते हैं, अभी कॉटन ग्रीन में जाके देखते हैं अपने को क्या कुछ दिखने जैसे मिलता है, मंदिर गार्डन वगैरह आपको दिखाते हैं। तो अभी फटाफट जाते हैं और जूही नगर में ना गाड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि गाड़ी का कुछ सीन हो गया आज। तो चलो पूछ चुके हैं। आपने स्टेशन का स्ट्रक्चर देखा होगा और बाहर का भी रहा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कैसा है यहाँ पर बाहर, क्या क्या फैसिलिटीज है। तो अभी है ना, सबसे पहले ना अभी नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगा। नाश्ता सा करके ना अपन पूरा कॉटन ग्रीन को ना इधर उधर गली गली में से घूमेंगे, और अपने को कुछ मिलता है इंटरेस्टिंग मंदिर गार्डन या फिर कुछ पुराना कुछ मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी स्टेशन के बाहर जाते हैं। और स्टेशन के ना हमेशा ना दो साइड होते हैं, एक वेस्ट और एक ईस्ट रहता है। यहाँ पर मुझे ईस्ट साइड में कुछ भी नहीं लग रहा, आपको दिखाता हूँ मैं। ईस्ट में कुछ भी ऐसा खास देखने से नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए ना अपन वेस्ट के साइड पे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आपको बोला था कि ना इस साइड में कुछ देखने जैसा नहीं, तो ना मैं यहाँ पर मतलब नीचे उतरा और ना मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर ना एक बोर्ड दिखा कि जहाँ पर ना श्रीराम मंदिर बोल के लिखा था। तो मैंने बोला यहाँ पर श्रीराम जी का मंदिर दर्शन करके जाएंगे। और फिर नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि ना यहाँ पर ना कॉटन एसोसिएशन कंपनी बोल के कुछ था यहाँ पर कंपनी, जिसके ऊपर ना अपनी कॉटन ग्रीन का नाम रखा था। तो अब मैं ना इसके जो भी हिस्ट्री का ना आपको बाजू में दिख रहा होगा आप पढ़ लेना थोड़ा सा। और इसका जो फोटोज़ वगैरह रहेगा ना, तो यहाँ पर शूटिंग वाला नहीं है, तो आपको मैं गूगल से जो फोटोज़ वगैरह रहेंगे ना आपको दिखा दूँगा। बाकी मेरी तरफ से आपको दो तीन क्लिप मिल गया होगा तो देख लेना। तो चलो अभी ना श्रीराम जी के मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर ना कॉटन ग्रीन के अंदर जाते हैं। चलिए चलते हैं वे टू श्रीराम मंदिर। चलो श्रीराम जी का मंदिर मेरे सामने, आप भी देखिए। मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर बैठा था, पंडित जी ने मुझे शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया था। मैं फिर भी आपको है ना गूगल से फोटो वगैरह दिखा दूंगा मंदिर के। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, ऐसी कुछ बात है। और बाजू में ना मतलब एयरफोर्स का कुछ तो बड़ा सा ऑफिस था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और ना वहाँ पर आर्मी लोग खड़े रहते, तो शूटिंग करा। तो सर्वप्रथम अभी नाश्ता करते, चाय करते। नाश्ता तो हो गया, बहुत ही गर्म था, अभी चाय पीते हैं। चलो चटाई चाड़ क्या है कॉटन ग्रीन। हनुमान मंदिर, तो वहाँ पर जो लोकल बंदा बैठा था ना वहाँ पर, वो बोल रहे कि यहाँ पर पहले शूट करने से पहले तुझे ना पुलिस स्टेशन में जाके ना परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने बोला हट रहे हैं। तो गाइस रुको जरा,
हाँ तो गाइस और थोड़ा रुको, विनीति नगर गोपाल महादेव नाईक चौक कॉटन ग्रीन गाइस। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक सिटी को पूरा राउंड मार के आ भी गया, वो कितना 10 या 15 मिनट में मैं पूरा सिटी का राउंड मार के आ चुका हूँ। मैं ढाकरिया बंदर रोड कॉटन ग्रीन, अब कुछ तो मिल जाए देखने जैसा। मैं फिर से स्टेशन के यहाँ पर पहुँच गया हूँ क्या अभी है ना कॉटन ग्रीन के ना गलियों में घुसते हैं। चलो सर खड़कर मार्ग। तो बस फाइनली अपना कॉटन ग्रीन का ब्लॉग हमें यहाँ पर एंड करना होगा। तो अपन यहाँ कॉटन ग्रीन में है ना, यहाँ पर यहाँ का कॉटन मिल का एरिया और श्री राम जी का मंदिर के दर्शन किए, हनुमान जी के दो मंदिर देखे, उसमें से हमने सिर्फ एक ही को शूट किया और बाकी पूरा कॉटन ग्रीन के पूरे सिटी की गलियों में से घूमे अपन। लेकिन अपने कुछ इतने इंटरेस्टिंग नहीं मिला, एक गार्डन मिला वो भी ठीक ठाक ही था, मैं कुछ खास नहीं था खेलने के लिए अच्छा शाम के टाइम पर, तो इसी कुछ बात है। और बस दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। पीस आउट, जय श्री राम, राधे राधे। बाय बाय कॉटन ग्रीन।